नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज एक बार फिर देश की हवाओं में आजादी का जश्न है। यह दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को हमने सैकड़ों सालों की अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़कर आजादी हासिल की। हालांकि आजादी के साथ ही हमें बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा। इसके साथ ही एक अविकसित, गरीब और कम पढ़ा लिखा भारत भी हमें मिला। विकास की तमाम चुनौतियां मुंह बाई खड़ी थी, लेकिन इन 7 दशकों में हमने विकास के कई पड़ाव पार किए। इस दौरान भारत ने बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। नए नए आविष्कारों और तकनीकी विकास से भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। हमने बुनियादी संरचनाओं से लेकर रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में काफी तरक्की की। आज पूरी दुनिया की नजरें हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर टिकी हैं। हम मजबूती के साथ नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। आज के विशेष में बातें होंगी आजादी के बाद से देश में हुए आर्थिक विकास की। इसके साथ ही हम कृषि, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद से भारत ने विकास का एक लंबा सफर तय किया। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता और अकाल और सांप्रदायिक हिंसा से जूझता रहा। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद भारत को एक बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता और गरीबी का सामना करना पड़ा। और जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के निर्माण की थी। लेकिन नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता ने देश के विकास के सफर को सच करके दिखाया। आइए एक नजर डालते हैं आजादी के बाद से अब तक के भारत के आर्थिक विकास पर। आजादी के बाद भारत को जो समस्याएं विरासत में मिली थीं, उनसे पार पाना कोई आसान काम नहीं था। आजादी के वक्त भारत में वो सभी समस्याएं मौजूद थीं, जिनके आधार पर किसी भी राष्ट्र को अविकसित राष्ट्र का दर्जा आसानी से दिया जा सकता है। औद्योगिकीकरण ना के बराबर था, प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए सालाना से कम थी, आर्थिक विकास की गति अत्यंत धीमी थी। लगभग 80% लोग गांवों में रहते थे और 70% के आसपास लोग कृषि पर निर्भर थे। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के हर क्षेत्र का शोषण किया और जब गए तो एक जर्जर और अविकसित भारत छोड़कर। उस वक्त जो है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसमें ज़्यादातर चीज़ें बाहर से बन के आती थीं। हम खेती पर निर्भर थे, खेती पे क्या खाद्यान्न के लिए भी बाहर के ऊपर निर्भर थे। आजादी के बाद देश को विकास की पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए नीति नेताओं ने काफी सोच विचार कर मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ विकास के रास्ते पर चलने का चुनाव किया। भारत के सामने केवल अर्थव्यवस्था के विकास का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को खत्म भी करना था। विकास की नई कहानी लिखने के लिए सबसे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। आजादी के बाद से ही देश के विकास में योजना आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग योजनाओं के लक्ष्य भले ही अलग अलग रहे, लेकिन सबका उद्देश्य एक था और वो था देश का आर्थिक विकास। 5-year plans जो है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत मदद की। जो स्टेट्स फाइनेंशियली या इंडस्ट्रियली वीक थे उनको उससे सपोर्ट मिला। तो मैं नहीं कहता कि 5-year plans वाज ए वेस्टफुल एफर्ट, इट वाज ए वेरी गुड एफर्ट। हमने आज़ादी के एक साल में इतने स्कूल खोले कि ब्रिटिश पीरियड में सारे में नहीं थे। अंग्रेजों ने अपने राज में इतने स्कूल नहीं खोले थे जितने हमने एक साल में कर दिया। दरअसल 1948 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा था। देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की नीति पहली बार इसी में की गई। 1948 के औद्योगिक नीति को 1952 में लागू किया गया। इस नीति के तहत ही राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई।
विकास के अगले चरण में 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति अपनाई गई। इसके तहत लघु और कुटीर उद्योगों का विकास के साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन और छोटे उद्योगों के समन्वय पर जोर दिया गया। औद्योगिक नीतियों को लागू करने से न केवल उद्योगों और उपकरणों में सुधार हुआ बल्कि विदेशी पूंजी निवेश भी भारत में आने शुरू हो गए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिकीकरण के विकास को एक नई गति मिली। आर्थिक विकास की इस कहानी की एक मजबूत कड़ी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आजादी से पहले बैंकों की पूंजी का पूरा लाभ पूंजीपति, साहूकार और जमींदार उठाते थे। आजादी के बाद भी बैंकों की भूमिका आम आदमी के लिए नहीं थी। इसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि देश में आर्थिक आजादी का एक नया दौर शुरू हुआ। समाज के सभी वर्ग को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से लोन मिलना आसान हो गया। बैंकों की इस नई कामकाज के तरीके से साधारण जनता को आर्थिक उन्नति के लिए नए अवसर मिले। बैंकों की इस भूमिका को देखते हुए अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। आई ज्वाइंड वर्किंग फोर्स इन 1973 और 74। और उस ज़माने में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि बैंक के ज़रिए ही सैलरी बांटी जाए, तो सैलरी कैश मिलती थी। और जब मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया तो अपने आप में अच्छा खासा एक मुझे वो न्यूसेंस लगा था। और आज की तारीख में अब गरीब आदमी भी जिसकी कोई रेगुलर इनकम भी नहीं है उसका अकाउंट घर घर जा जा के खुलवाए जा रहे हैं। तो जो नेशनलाइजेशन का एक अपना पर्पस जो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ से जोड़ें और दूर दराज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, इट हैज़ सर्व्ड ए ग्रेट पर्पस। दरअसल आज़ादी के बाद 1950-51 में शुरू किए गए आयोजना यानी प्लानिंग की प्रक्रिया को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। 1950-51 से 1990-91 के बीच 40 साल और 1990-91 के बाद से बाकी साल, शुरू के 40 वर्षों की नीतियाँ मूल रूप से नेहरू महल नोबिस मॉडल पर आधारित थीं, जिसमें भारी और आधारभूत उद्योगों की स्थापना के साथ ही समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर था। हालांकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना था, लेकिन लाइसेंस राज और बंद अर्थव्यवस्था के चलते हम इस रफ्तार को नहीं छू पा रहे थे। इसके लिए 1991 में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसमें व्यवस्था संबंधी अनेक नियंत्रणों को दूर करना, लाइसेंस राज को खत्म करना, विदेशी और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। इसके तहत आर्थिक सुधारों के लिए LPG मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। आज की स्थिति में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिने जाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम तीसरे स्थान पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो लंबा रास्ता है जो हमने तय किया है, और मेरे ख्याल से सभी भारतीयों के लिए ये एक बड़े गर्व का विषय होना चाहिए। इन सभी प्रयासों का असर ही है कि आज भारत दुनिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विश्व बैंक की ओर से हाल ही में 2017 के लिए जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी GDP में दो गुनी बढ़ोतरी दर्ज की है। 2017 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2590 अरब डॉलर था। भारत के जल्द ही ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। आजादी के बाद देश के सामने एक बड़ी समस्या थी कृषि और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की। खेती की हालत ठीक नहीं थी, ऐसे में हमारे सामने भुखमरी जैसी स्थिति थी। लेकिन किसानों, कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत और हरित क्रांति की बदौलत खाद्यान्न के मामले में हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि आज हम खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगे हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजी राज में भारत में अकाल से लाखों लोग मरते थे।
1860 के बाद 25 बड़े अकालों में तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा और बंगाल में 2 करोड़ लोग मारे गए। 1943 में अकेले बंगाल में अकाल में 30 लाख मौतें हुईं। हम अनाज के मामलों में विदेशों पर निर्भर थे और हमें अमेरिका, चीन और रूस से अनाज मांगना पड़ता था। इसी नाते पहली योजना में ही खेती बाड़ी को प्राथमिकता मिली। खेतों की चकबंदी और भूमि सुधार के साथ भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और गांधी सागर जैसे बांधों ने उन्नत खेती के लिए आधार बनाया। 17 नवंबर 1960 को देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खुला। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए नई पहल की। 65 में आई रिमेम्बर जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे देश के, तो उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और मुझे अभी भी याद है कि हालांकि उस ज़माने में आई वॉज़ ए स्टूडेंट, बट यहाँ तक था कि जो लोग इतना मोबिलाइजेशन हुआ था देश में लोगों में कि लोगों ने एज ए टू शो दी सॉलिडेरिटी विद दी कॉन्सेप्ट गमलों तक में मतलब गेहूं बोना शुरू किया था, जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी कि हम देश को अन्न से पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा साहसिक फैसला तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने 1965 में 18,000 टन उन्नत गेहूं बीज आयात करके लिया। तब अमेरिका से PL 480 के तहत जो गेहूं मिला उसकी शर्तें इतनी अपमानजनक थीं कि इंदिरा गांधी तिलमिला गईं। 9 अप्रैल 1966 को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि हम कुछ सालों में अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर लेते तो हमें महान देश तो दूर स्वतंत्र कहलाने का हक भी नहीं है। उसके बाद किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत और हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। 1960 के अंत तक हम अपना सारा खाना अपने आप नहीं बना पाते थे। बहुत सारा हमारा खाना जो है बाहर से फूड अन्न इम्पोर्ट होता था, अमेरिका से आता था और अक्सर अमेरिका हम पे बहुत सारी शर्तें लगा देता था कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलिए नहीं तो हम आपको नहीं देंगे। 1970-72 के बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक रूप से हम सेल्फ रिलायंट हो सके, तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था। यह हरित क्रांति का नतीजा ही था कि 1965-66 में जहां कुल अनाज उत्पादन में गेहूं का योगदान 16.6% था, वो 1984-85 तक 32.7% हो गया। नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की मदद से 1967-68 में बोनी किस्मों के गेहूं ने कमाल दिखाया और उसकी धमक आज भी बरकरार है। हालांकि खेती में चुनौतियां भी बढ़ी हैं। 1960-61 में हमारा अनाज उत्पादन 82 मिलियन टन था, जो 2017-18 तक बढ़कर 279.51 मिलियन टन के रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। इसी अवधि में धान उत्पादन 34 मिलियन टन से करीब 112 मिलियन टन पहुंच गया है। वहीं गेहूं 11 मिलियन टन से 98.61 मिलियन टन तक आ गया है। कई दूसरे अनाजों के मामलों में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। 1960-61 में जो चावल उत्पादन महज 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, वो आज 2500 किलोग्राम पार कर गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारी औसत उम्र एक इंसान की 32 साल थी, मतलब 32 साल की उम्र में वो मर जाते थे। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि इतने बड़े देश के इतने सारे लोगों के लिए पूरा अन्न उपलब्ध नहीं था, अनाज उत्पन्न, और इसलिए औसत आयु कम हो गई थी। आज वो औसत आयु जो है वो लगभग 70 साल के पास तक जा चुकी है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और भी बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, सेल्फ रिलायंट हुए हैं, और अब हम इस पोजिशन में भी हैं कि हम बाकी देशों को निर्यात भी कर सके। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। भारत में हरित क्रांति के नायक भले ही बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का असर आम भारतीयों पर साफ दिख रहा है। बाद की सभी योजनाओं में खेती बाड़ी को वाजिब तवज्जो मिलना जारी रहा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास और उसे टिकाऊ बनाए रखने और किसानों की आय बढ़ाने की कई पहल की। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।
21 नवंबर 1963 को थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही शिशु के पहले कदम की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। आज हमारा देश अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करने के साथ ही उनका प्रक्षेपण भी कर रहा है, और इतना ही नहीं, हमने मंगल ग्रह तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की है। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने देश के सक्षम और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया, और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू हो गया। भारत ने केरल में मछुआरों के एक अनजान से गांव थुम्बा में 21 नवंबर 1963 को अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। हमारा पास लोग था, दैट इज टेक्नोलॉजिकल पीपल था, साइंटिफिक पीपल था, बट हमारा पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था। सो हम क्या किया, रॉकेट बाहर से हम बारो किया, अमेरिका से बारो किया, रशिया से बारो किया। वो रॉकेट यूज़ करके हम हमारा कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया। फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर त्रिवेंद्रम के पास, तिरुवनंतपुरम के पास हम एस्टेब्लिश किया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत का पहला बड़ा कदम पड़ा। इस दिन इसरो ने देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस प्रायोगिक उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट को यह नाम प्राचीन भारत के जाने माने खगोलविद आर्यभट्ट के नाम से मिला। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्चर का प्रयोगात्मक तौर पर परीक्षण किया गया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या किया, हम डिसाइड किया रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए टाइम होगा, बट सैटेलाइट डेवलप करने में थोड़ा ईजी है। सो हम डिसाइड किया दैट हम हमारा इंडिया में सैटेलाइट्स तैयार करेंगे, फॉरेन रॉकेट यूज करके स्पेस में भेजेंगे। इस तरह से पहला स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ने रशियन, दर इज उस जमाने में सोवियत यूनियन का रॉकेट यूज करके हम स्पेस में भेजा। दूर संचार उपग्रह इनसेट का विकास इसरो का अगला पड़ाव था। 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ इनसेट उपग्रहों की सीरीज की शुरुआत हो गई। 1984 तक इनसेट तकनीक से दूर संचार, टेलीविजन जैसी सुविधाएं जुड़ गईं। 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। इसरो ने 17 मार्च 1988 को भारत के पहले रिमोट सेंसिंग तकनीक वाले सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च किया। 10 जुलाई 1992 को स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम इनसैट पर बने उपग्रह इनसैट-2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। 23 जुलाई 1993 को इनसैट सीरीज के दूसरे उपग्रह इनसैट-2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने 29 सितंबर 1997 को पहली बार PSLV यान को लॉन्च किया, जिसमें IRS-1D सैटेलाइट भेजा गया। 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर कल्पना-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित पहला सैटेलाइट EDUSAT-G3 का प्रक्षेपण किया गया। 22 दिसंबर 2005 को डायरेक्ट टू होम यानी DTH केबल टीवी नेटवर्क के लिए INSAT-4A उपग्रह को लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के ऐतिहासिक चंद्र मिशन की शुरुआत हुई। इसे PSLV-C11 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। 1 जुलाई 2013 को इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली, जब उसने भारत का नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका की तर्ज पर अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। अभी हम देखा तो इंडिया में बहुत कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या टेलीविजन या इवन योर ATM, उसके लिए आपको सैटेलाइट चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए कम्युनिकेशन में एक्चुअल बैकबोन इसरो ने बना के हमको दिया, एक महत्वपूर्ण बात है। 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। 67 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए,
जो नासा के मावेन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा था। इसरो ने अप्रैल 2018 में नेविगेशन सिस्टम नाविक के आखिरी और 8वें उपग्रह IRNSSS-1I का सफल प्रक्षेपण किया। जैसे ही नाविक सिस्टम काम करने लगेगा, भारत अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास खुद की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के समय उस टेक्नोलॉजी यूज करके हम और टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटना, स्पेसक्राफ्ट के लिए आप एंटना बनाने के समय सेम एंटना टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत ज़्यादा एंटनाज बना सकता है, बहुत ज़्यादा जगह में हम यूज़ कर सकते हैं। एक एडवांस रिसर्च सेंटर, एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। इस तरह से आप देखा तो इस 70 ईयर्स में हम रियली वी हैव मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में नया अध्याय लिखा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के नाम दर्ज था। इसमें कार्टोसैट श्रृंखला का कार्टोसैट 2 उपग्रह भी शामिल था। ये रॉकेट 6 अलग अलग देशों के पेलोड को लेकर रवाना हुआ था। इस शानदार कामयाबी ने भारत को दुनिया में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया। 5 जून 2017 को इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। ये रॉकेट अपने साथ 3136 किलो वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 लेकर गया। इससे पहले 2300 किलो से ज्यादा वजन वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के गिने चुने अग्रणी देशों की जमात में अपनी जगह बनाई। 29 जून 2017 को इसरो ने भारतीय जमीन से अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-17 लॉन्च किया। इसका वजन 3477 किलो था। 12 जनवरी 2018 को इसरो ने 31 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक एक साथ लॉन्च किया। इसमें भारत के 3 और 6 अन्य देशों के 28 सैटेलाइट शामिल थे। इसके साथ ही इसरो का सैटेलाइट भेजने का शतक पूरा हो गया। इसरो अब तक 28 देशों के 237 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीम। और आजादी के बाद से रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने काफी विकास किया। रक्षा उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार भी रक्षा उत्पादकों के देश में ही निर्माण पर जोर दे रही है। मिसाइल तकनीक के मामले में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में भी शामिल हो गया है। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत में 13,90,000 सक्रिय सैनिक हैं। 2018-19 का रक्षा बजट 4,04,365 करोड़ रुपए है। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी 1.49% है। आजादी के बाद से देश के जांबाज सैनिकों ने 5 लड़ाइयां लड़ी हैं। भारतीय रक्षा उद्योग 200 साल से भी अधिक समय का गौरवमय इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। ब्रिटिश काल के दौरान बंदूकें और गोला बारूद तैयार करने के लिए आयुध कारखानों की स्थापना की गई थी। पहले आयुध कारखाने की स्थापना 1801 में काशीपुर में की गई थी। आजादी से पहले कुल मिलाकर 18 कारखानों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश में 41 आयुध कारखाने, 9 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। इसके अलावा 200 से अधिक निजी क्षेत्र लाइसेंस धारक कंपनियों के साथ ही कुछ हजार छोटे मझौले और सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की 50 से अधिक रक्षा प्रयोगशालाएं भी देश में रक्षा विनिर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। हमने पिछले इन 71 सालों में एक लंबी दूरी तय की है। हमने बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल एक जीरो बेस से शुरू करके आज एक मजबूत एक रक्षा उद्योग का ढांचा तैयार किया है, रक्षा विकास का ढांचा तैयार किया है। एक वक्त था जब हम रक्षा खरीद के लिए पूरी तरह से विदेशी मुल्कों पर निर्भर थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारी कुल रक्षा खरीद में से 40% खरीददारी स्वदेशी उत्पादन के जरिए की जाती है। T-90 टैंक में 74% स्वदेशीकरण, पैदल सेना से जुड़े वाहन में 97% स्वदेशीकरण, सुखोई 30 लड़ाकू विमान में 58% स्वदेशीकरण और कॉनकोर्स मिसाइल में 90% स्वदेशीकरण हासिल हो चुका है। खुद के अनुसंधान और विकास के जरिए कुछ प्रमुख प्रणालियों को स्वदेश में ही विकसित करने में भी सफलता पाली है।
इनमें मिसाइल प्रणाली, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और पिनाका रॉकेट शामिल हैं। आज हमारे पास अपने देश में विकसित किया गया एक तेजस एयरक्राफ्ट है, जो एक बहुत ही उन्नत किस्म का और चौथी श्रेणी से भी ऊंचा एक एयरक्राफ्ट है। हमारा अपना अर्जुन टैंक है, जो हमारे खुद के देश में बनाया गया है, हमारे देश के सैनिकों के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से हमारे सेंसर्स हैं जो हमने विकास किए हैं। मिसाइल तकनीक के मामले में भी हम दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुके हैं। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के बाद भारत के पास सबसे उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी है। भारत परिष्कृत मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ देश में ही लंबी दूरी के परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप से सक्षम हो चुका है। जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल की बुनियादी ढांचे को विकसित करने के मकसद से बड़ा कदम उठाया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी थी। पृथ्वी कम दूरी की जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी एक से शुरू हुआ सफर पृथ्वी तीन तक आ पहुंचा है। पृथ्वी तीन मिसाइलों की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला है। अग्नि एक से शुरू हुआ सफर अग्नि पांच तक पहुंच गया है। भारत ने अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पांच का पहली बार परीक्षण अप्रैल 2012 में किया। अग्नि पांच की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। तब से अब तक अग्नि पांच के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और इजराइल के बाद भारत विश्व का सातवां ऐसा देश है जिसके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO फिलहाल अग्नि 6 पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसकी मार करने की क्षमता 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। आज भारत उन गिनती के 5-6 देशों में से है जिनके पास अपने खुद के बनाए गए लंबी दूरी के मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे अग्नि और पृथ्वी हैं। ऐसे ही हम गिनती के 4 देशों में हैं जिनका खुद का ऐसे मिसाइल्स को रोकने के लिए, हवा में ही मार कराने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, हम उस पे काम कर रहे हैं। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी है। ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। ये मिसाइल भारत की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है और इसने भारत को मिसाइल तकनीकी में विशेषज्ञता प्रदान की है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की गति 2.8 मैक है, जो दुनिया में किसी भी मिसाइल से ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र से सतह पर मार करने वाली धनुष मिसाइल को विकसित किया। ये मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक संस्करण है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइलें मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र हैं, जिनकी मारक क्षमता 25-30 किलोमीटर है। हम बहुत कुछ अपने देश में बना पा रहे हैं। लगभग 55-60% हम अपने देश में ही अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम पिछले 4-5 वर्षों में हमने बहुत तेजी से प्रगति की है और यह चलता रहेगा, तो ये आने वाले समय में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में। भारत मिसाइल कवच हासिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। भारत अमेरिका के सहयोग से एक ऐसी एंटी मिसाइल तकनीक हासिल करने जा रहा है जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स के अटैक से देश के शहरों को पूरी तरह से सुरक्षित कर देगी। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 यानी नासाम्स के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। अमेरिका से इस सिस्टम को $1 अरब की लागत से खरीदा जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।